अनूपपुर जिले के पुष्प राजगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों ने अब सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम सब उग्र आंदोलन करेंगे और साथ में जरूरत पड़ी तो बच्चों के अभिभावकों को लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार शिक्षक लंबे समय से मांगों को लेकर परेशान है। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो अब शिक्षक सीधे सरकार से बगावत पर उतर जाएंगे, पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, ये सवाल उठ रहा है। शिक्षकों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अब देखना होगा कि सरकार शिक्षकों के आगे झुकेगी या फिर शिक्षक आंदोलन करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं 13 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए। आज आठवां दिन, आज 20 तारीख हो गया। पुष्पराजगढ़ के सभी शिक्षक साथियों ने उपस्थित हुए हैं, इसी तरह हमारे प्रांत स्तर पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं सर, पुरानी पेंशन बहाल हो, क्रमोन्नति हो, अनुकंपा नियुक्ति हो, समय वेतनमान हो, यही हमारी बिंदु है। हमारी मांगे जो है पुरानी पेंशन और कई ऐसे हैं जिनको लेके हम लोग हड़ताल किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार कह चुके हैं कि हमारी मांगों को आप गौर। आप लोग कितनी बार कह चुके हैं उनसे? उनसे हमारे भरत भाई अभी 13 तारीख को वहां गए मिलने की कोशिश किए, लेकिन क्या आश्वासन दिया उन्होंने कि मिला ही नहीं? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला।